नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम। आप देख रहे हैं के मासिन। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasin.com। सोशल मीडिया पे देखने के लिए टाइप करें के मासिन। आजमगढ़ जिले के तरमा परमारपुर में 26 फरवरी 2021 को के मास न्यूज रिपोर्टिंग कार्यालय का उद्घाटन लालगंज उप जिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव के हाथों फीता काटकर किया गया। उप जिलाधिकारी ने कहा, के मास न्यूज कार्यालय परमारपुर में खुलने से क्षेत्रीय जनता को काफी राहत मिलेगी। उप जिलाधिकारी ने यहाँ तक कहा कि मीडिया एक ऐसा साधन है जो समाज और सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। बता दें, इस मौके पर तरमा थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा, पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और कार्य को करने का सबका अलग अलग दायरा है। इस मौके पर के मास न्यूज के ब्यूरो चीफ राम सिंह, उप ब्यूरो चीफ मनोज बौद्ध, स्टिंगर निशांत गौतम, राम सुंदर गौड़, ब्लैक रिपोर्टर दीपक सिंह तथा केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली मंडल कोषाध्यक्ष नीतीश कुमार, मंडल सचिव सुबोध कुमार, आजमगढ़ जिला मंत्री अशोक बौद्ध, तरमा ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र कुमार व ब्लॉक तरमा की टीम के साथ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। बता दें, इस कार्यक्रम में अन्य चैनलों व दैनिक पेपरों के पत्रकार व संवाददाता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। हमारे अन्य साथीगण, साथी तरमा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, सबसे पहले मैं आप सभी को के मास न्यूज के रिपोर्टिंग कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आप सभी को बधाई देता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ के रूप में है। सब लोग जानते हैं, सब लोग सुनते रहते हैं। मुख्य आपका जो काम है समाज के विकास में, किसी स्टेट के, किसी समाज के, किसी राज्य के विकास में जो आपका योगदान है, वो किसी भी रूप में केवल आपको